सभी साथियों को जैकसान। साथियों, आज 15 अप्रैल है और दिन है शुक्रवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी अपनी चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर, मुख्य तौर पे जौ, गेहूं के और ग्वार के अंदर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे और थोड़ी सी चर्चा करेंगे नरमे के ऊपर। जितने भी साथी जुड़े हो जरूर शेयर कर देना वीडियो को, क्योंकि सरसों के अंदर जो व्यापारियों का खेला है वो शुरू हो गया है। वो खेला क्या है और कैसे है उसके ऊपर अपने थोड़ी सी चर्चा साथियों करेंगे। तेज है सरसों, नरमा भी तेज है, जौ आज थोड़े डाउन रहे, कमजोर हुए हैं, और ग्वार के अंदर आप स्थिर कह सकते हो और गेहूं के अंदर भी जो है आप एक स्थिरता कह सकते हो। जितने भी भाई जुड़े हो सबसे निवेदन है कि एक एक शेयर का बटन जरूर दबा देना, ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंचे और व्यापारियों का जो ये खेला है इसका जो है अपने को पता लग सके कि सरसों के अंदर व्यापारियों का क्या खेला चल रहा है। आप सब लोग वीडियो को बहुत शेयर करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और यूट्यूब के ऊपर भी आप सब लोग रोज जुड़ते जा रहे हो, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई साथी यूट्यूब चैनल का नाम पूछते हैं, किसान राजा हेयर नाम है साथियों, वहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हो, क्योंकि दिन में अपने फसलों के भाव की अपडेट वहीं करते हैं। थोड़ा सा दो दिन से किसी घरेलू काम में बिजी था तो दो दिन से अपडेट नहीं कर पाया, लेकिन कल से कोशिश करूंगा कि दिन में पूरी जानकारी जो है यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर देंगे। आप सबसे निवेदन है एक एक शेयर का बटन दबा के और साथी जुड़ जाएं। बात करेंगे साथियों सरसों के ऊपर, आज सबसे पहली चर्चा सरसों के ऊपर ही करेंगे। देखिए, सरसों आज गोलूवाला मंडी के अंदर 7100 रुपये बिकी है। राजस्थान की एक मंडी है गोलूवाला। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गोलूवाला के जो व्यापारी साथी हैं उनको। पहले तो नरमे के सीजन के अंदर सबसे तेज, राजस्थान का सबसे तेज मंडी रही है गोलूवाला मंडी। अभी सरसों के सीजन के अंदर भी सबसे तेज मंडी रही है गोलूवाला मंडी। अब खेला क्या है साथियों, एक एक बटन शेयर वाला दबा देना ताकि सभी तक ये बात पहुंचनी चाहिए अपनी, फिर ये जो है अपनी आवाज और अपनी मांग जो है उठेगी। नरमे के अंदर क्या था, किसी मंडी में जो व्यापारी लोग ये बोलते थे कि नरमे की क्वालिटी जो है वो डाउन है, क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं था, कोई मीटर नहीं था, उसकी कोई लैब नहीं थी, कुछ चेक नहीं होता था, बिना चेक किए हुए लेना था। ये सीधा बोलते थे कि इस मंडी की क्वालिटी डाउन है, इसलिए हम लोगों ने जो है इसको नरमे के भाव को डाउन कर दिया। 42 कंडीशन का नरमा, 42 कंडीशन का नरमा गोलूवाला के अंदर, सॉरी सरसों, माफी चाहूंगा, 42 कंडीशन की जो लैब की सरसों है गोलूवाला के अंदर बिकती है 7100 रुपए। उसी कंडीशन की, उतने ही तेल की 42% की सरसों बाकी मंडियों के अंदर बिकती है 6500-6600 रुपए। अब इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकती है, यानी कि सेम पैटर्न, सेम लैब, सेम सरसों, सेम सब कुछ एक मंडी में बिक रही है 7100 रुपए, 7000 से ऊपर 7100 रुपए, और दूसरी मंडी के अंदर बिक रही है वही सरसों जाके जो है 6500 रुपए, 6600 रुपए, कुछ मंडियों में 6700-6800 रुपए, प्रति क्विंटल 400 रुपए का फर्क। वही सरसों है, वही लैब है, वही सब कुछ है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा एक गेम चल रहा है। ये जो लैब है ये कोरी ठगी है, ये किसानों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है, इससे बड़ा खिलवाड़ हो ही नहीं सकता। एक ही मंडी के अंदर, एक ही डेयरी की आप थैली भर के सरसों ले जाना, चार लैब है आपकी मंडी के अंदर, चारों लैब के अंदर एक एक दो दो पॉइंट का फर्क आएगा। बिल्कुल किसानों की कमर तोड़ने वाला ये काम चल रहा है। और मैं पुनः कहना चाहूंगा कि गोलूवाला मंडी ने सबसे तेज नरमा लिया, सबसे तेज नरमा लिया पूरे राजस्थान के अंदर। दूसरी मंडियों के में जब जाके बात की, जो सेक्रेटरी लोग हैं, जो सरकारी सचिव, उनसे बात की, या मतलब दूसरे लोगों से बात की, तो उनका यह कहना था कि भाई एमएसपी से ऊपर बिक रहा है, हम क्या करें। व्यापारियों से बात की तो उनका कहना था कि हम लोग जो है क्या करें, आपके नरमे की क्वालिटी डाउन है। हालांकि गोलूवाला की और मेरी मंडी की बात करूं, या रायसनगर की बात करूं, करणपुर, गैसनपुर, पदमपुर की बात करूं, तो कोई ज्यादा इशू नहीं है, क्वालिटी का सेम क्वालिटी थी, मेरे ख्याल से वहां से अच्छी भी हो सकती है हम पे। लेकिन फर्क रहा पूरे सीजन में 500-700 रुपए प्रति क्विंटल का, और वही काम अब दोबारा सरसों में हो रहा है। 42-45 लैब की सरसों गोलूवाला के अंदर बिकती है 7100 रुपए, और बाकी मंडियों के अंदर बिक रही है वो 6500-6600 और 6700-6800 रुपए।
बहुत बड़ा एक जो है फ्रॉड एक तरह का ये चल रहा है किसानों के साथ, और बहुत ही एक ये लैब वाला जो सिस्टम है इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े ही पुख्ता जानकार किसी साथी ने मुझे बताया है कि लैब के अंदर ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है लैब के अंदर। मेरी कोई व्यापारियों से दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई व्यापारियों से बैर भी विरोध नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि साथियों 42 लैब की सरसों एक मंडी में 7100 बिक रही है, एक में 6800 बिक रही है और दूसरी मंडी में 6500 बिक रही है। यार कहां का न्याय है, कोई कोई न्याय है ही नहीं, ये किस तरह का न्याय है ये। खैर सरसों की बात करें साथियों, देखो वीडियो को साथियों आगे जरूर बढ़ाना, फिर ही अपनी आवाज उठेगी। देखो आप लोग घर पे, हम लोग घर पे बैठे हैं, हम लोग एक एक शेयर का बटन दबाएंगे तो वीडियो आगे जाएगी, वायरल होगी, पहुंचेगी और हमारी जो आवाज कहीं ना कहीं तक पहुंचेगी। तो मेरा निवेदन आप सबसे कि थोड़ा सा इस वीडियो को आप गहराई से लें और इसको जरूर शेयर करें। सरसों की बात करें, ओवरऑल सरसों तेज थी, अच्छी तेजी बनी सरसों के अंदर आज, और आज फिर सरसों आप मान के चलिए कि 50 से लेके 70-80 रुपए तेज रही। सभी मंडियों के अंदर अच्छा माहौल है सरसों का। मैंने पिछले शनिवार को एक बात बोली थी, जो साथी रोज सुनते हैं एक कमेंट जरूर कर देना। मैंने पिछले शनिवार को एक बात बोली थी कि एक सप्ताह सरसों को डाउन करके अगले सप्ताह सरसों को बढ़ाया जाएगा, अगले सप्ताह के अंदर सरसों का जो रेट है वो तेज रहेगा। जिस भाई ने वो बात सुनी थी जरूर कमेंट करके बताना। आज काफी साथियों के फोन आए, एक साथी है हिसार से, उसका मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि मैं शनिवार को मैंने ट्राली लोड की थी और मेरा पूरा बेचने का मन था। शनिवार को मैंने सुबह 9:30 बजे मेरा जो यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर के नाम से, क्योंकि दिन में अपने वहीं अपडेट करते हैं, उसके ऊपर एक अपडेट दी थी कि सरसों जो है इस सप्ताह कमजोर रही है, अगले सप्ताह तेज होगी। आज वो भाई उस दिन उसकी मंडी के अंदर लगभग 6200 या 6250 रुपये रेट था। उस भाई ने कहा कि मैंने ट्रॉली रोक ली और मैंने आज वो ट्रॉली बेची है 6615 रुपये। तो मैं धन्यवाद करूंगा साथी को कि वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको भी धन्यवाद करता हूं साथियों कि आप सब लोग इतने दिनों से जुड़े हुए हो। लेकिन ये बात मैंने शनिवार को बोल दी थी, अंदाजा था, ये तय था कि सरसों के अंदर जानबूझ के एक गिरावट आई है और ये जो गिरावट है आगे चल के ये रिकवर हो जाएगी। अच्छी तेजी है, 7100 का रेट क्रॉस किया आज गोलूवाड़ा ने, बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। गोलूवाड़ा का स्टेशन पूरे भारत के अंदर फेमस स्टेशन बन गया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत, जो गोलूवाड़ा के व्यापारी लोग हैं, जो वहां के लोग, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन जो स्टेशन बदनाम हो रहे हैं उनका अंजाम बहुत बुरा होगा, इस बात में भी कोई शक नहीं है। खैर सरसों के अंदर साथियों आज तेजी है और ये तेजी लगातार जारी है, आज तीसरा दिन था, हालांकि आज भी गुड फ्राइडे की छुट्टी थी, काफी मंडियों के अंदर कारोबार भी नहीं हुआ। खैर ये जो आगे धीरे धीरे जो है जैसे अगला सप्ताह आएगा तो आवकों का अपने को और स्थिरता पता चलेगी। आज भी लगभग मान के चलिए 7.25 लाख की आवक थी, हालांकि आज छुट्टी भी थी लेकिन फिर भी एक अच्छी आवक थी और सरसों के अंदर अच्छी और ठीक तेजी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तेजी मेंटेन रहेगी, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि थोड़ा सा ऊपर नीचे ये भाव जा सकते हैं, उसका कारण ये है क्योंकि देखिए सरसों की फसल है, पिछली बार भी यही हुआ था, 200 बड़ी 100 टूटी, 300 बड़ी 400 टूटी, यही करके, लेकिन असल के अंदर कोई बहुत ज्यादा कमजोर भाव नहीं लग रहे हैं, आवकें अच्छी बनी हुई हैं और ठीक आवकें बनी हुई हैं। असल के अंदर अब नहीं लग रहा कि सरसों के अंदर इससे ज्यादा मंदी आगे आपको जो है देखने को साथियों मिलेगी। सप्लाई चैन सबसे बड़ी चीज है, सप्लाई चैन बनी भी रहनी चाहिए, 7 लाख बोरी की अगर आवक है तो ठीक आवके हैं और ठीक भाव भी ठीक है। कुछ साथी तो अभी भी सरसों निकाल रहे हैं। ओवरऑल बात करें तो सरसों की पिछले साल से बहुत ज़्यादा फर्क रहने वाला लग नहीं रहा है। जो आपके विशेषज्ञ लोगों ने एक बोला था कि ये गोल रहेगा, लास्ट का जो गोल है ये रहेगा, वही गोल मेंटेन होता हुआ लग रहा है 105 से 111 के बीच में। तो असल के अंदर कोई बड़ा ज़्यादा मंदा आपको सरसों में आगे देखने को नहीं मिलता लग रहा साथियों, लग रहा है कि एक ठीक तेजी सरसों के अंदर साथियों बढ़ सकती है। सरसों के भाव की बात करें, जयपुर के अंदर 7175 रुपए आज तेज है। सलोनी ने आज अपने भाव वापस 7700 कर दिए हैं, जो कि एक बार टूट के 7500 हो गए थे, 200 रुपए तेज है तीन दिन के अंदर। भरतपुर 6730, नोहर 6500, कोटा 6600, गुना मंडी है 6900, गंगानगर 6925, ये 42% की लैब जो है उसके भाव है। जूनागढ़ मंडी 7200 रुपए यानी कि 7200, और जोधपुर के अंदर 42 कंडीशन 6800,
सुमेरपुर 6800, दादरी 6500, हिसार 6825, मथुरा मंडी 6560, एलनाबाद 6770, आदमपुर 6790 और बीकानेर 6500। बीकानेर में 200 रुपये आज भाव बढ़ा है, शायद 300 रुपये भाव बढ़ा है 42% का। दिल्ली के अंदर 6900, गोलूवाड़ा के अंदर 7100 रुपये सरसों बिकी है और गोलूवाड़ा के व्यापारियों को दोबारा एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। साथियों बात करते हैं जौ की, जौ कमजोर रहा साथियों आज, बहुत ज़्यादा कमजोर नहीं लेकिन कमजोर था, मान के चलिए 100 से 125 रुपए की आज मंदी जौ के अंदर देखी गई। बात करें गेहूं की, स्थिरता बनी हुई है कोई, क्योंकि अभी पीक टाइम है आवकों का, हालांकि थोड़ा सा ये छुट्टियों का एक माहौल चल रहा है बाजारों के अंदर, फिर भी आवकें काफ़ी हो रही हैं। गेहूं का तो सिस्टम ही ये होता है किसानों का कि निकाला और सीधा जो है बाजार जाके डेरी कर दिया, तो वहीं से जो है उसको तुलवा दिया। खैर गेहूं के अंदर स्थिरता बनी हुई है, कोई बहुत ज़्यादा भाव जो है नीचा नहीं जाता लग रहा साथियों, और ये लग रहा कि एमएसपी से ऊपर गेहूं तो बिकना चाहिए, लेकिन पुनः निवेदन बहुत बड़ी तेजी नहीं बनती लग रही। कोई साथी ये बोल दे कि 3500-4000 हो जाएगा, मुझे मेरे ख्याल से ये एक फेक बातें हैं, ये सही बात नहीं है। बात करें ग्वार की, पुनः कहूंगा फंडामेंटल मजबूत है, लेकिन ग्वार आज 50 रुपये 40 रुपये डाउन था। एक तो छुट्टियों का माहौल है, कोई बहुत बड़ी आउटकम भी नहीं है। ग्वार के अंदर जो सौदे हो रहे हैं वो बंद सौदे जो है हो रहे हैं और उन बंद सौदों के तहत ही जो है कारोबार हो रहा है। असल के अंदर यही है कि ग्वार के अंदर भी कोई बड़ा मंदा साथियों दिखाई नहीं दे रहा। तो चौधरी साहब रविंद्र जी कुछ पूछ रहे हैं मुझे, मैंने ऊपर के कमेंट पढ़े नहीं क्योंकि ध्यान वीडियो के अंदर होता है साथी, आप इनबॉक्स कर लेना मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। तो ओवरऑल बात करें साथियों नरमे की, तो नरमे के अंदर आज भी तेजी थी, उत्तर भारत की मंडियों के अंदर अच्छी तेजी बनी हुई है, गुजरात में भी अच्छी तेजी थी आज। और जो खबर कल एक आई थी कि सरकार ने एक आयात शुल्क जो है उसको ख़त्म कर दिया है, उसका कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा। उसका एक कारण था, उसका कारण ये था कि अभी जो नरमा है किसानों के पास बहुत रेयर है, बहुत कम है, यानी कि 2% 3% किसानों के पास नरमा है, तो इसलिए उसका जो है कोई बहुत ज़्यादा फर्क साथियों नहीं पड़ा है। उम्मीद नहीं, यकीन करता हूं कि सरकार जो है जैसे ही हमारी नरमे की नई फसल आएगी तो ये आयात शुल्क जो है दोबारा लगाएगी और किसानों को राहत देगी, ऐसा लग रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि प्रायोरिटी हमारे देश के किसान की साथी होनी चाहिए। तो नरमे के अंदर ठीक तेजी बनी हुई है। नरमे के भाव की बात करें, गोलूवाड़ा 12500 आज फिर दी बेस्ट, आदमपुर 11960, सिरसा 11900, अबोर मंडी 11780, एलनाबाद 11490 रुपये साथियों आज नरमा बिका है। कल बात करें 9 से 9:30 बजे यूट्यूब चैनल किसान, 9 से 10 बजे के बीच में यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर के ऊपर आपको अपडेट जरूर देंगे कल। आज के लिए माफी चाहूँगा, आज थोड़ा सा किसी काम में बिजी था, तो कल आपको जरूर बताऊँगा वहाँ पे जो कल क्या भाव रह सकते हैं उनके बारे में, और कल शाम को 8:30 बजे यहाँ लाइव में मिलेंगे। इस वीडियो को जरूर शेयर करना क्योंकि सरसों का जो अपने मुद्दा उठा रहे हैं उसको साथियों अपने को उठाना पड़ेगा। ये जो एक लैब का सिस्टम चल रहा है इसको हमें जो है इसको हाईलाइट करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी कोई बात सुनी जाएगी। मिलते हैं कल 9 से 10 बजे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर के ऊपर और शाम को यहाँ पे, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।